हेलो हेलो, वेलकम टू माय शो फूड स्ट्रीट। मैं हूं आपकी होस्ट परवेश अबरार। आप सब लोगों को दिली ईद मुबारक। ईद का शो हो, हमारे साथ कोई मेहमान मौजूद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊंगी, वो सियासत की वजह से बहुत मशहूर हैं। 2018 कौमी असेंबली में मेंबर भी रहीं और साथ साथ वो सोशल वर्कर और टीचर भी हैं। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलवाऊँ। जिनका हमें इंतजार था, अब वो आ चुकी हैं, द वन एंड ओनली नुसरत वाहिद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज हैव अ सीट। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद पर आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। और ये बताएं कि कैसे टाइम निकाला हमारे लिए भाई? बहुत मसरूफियात होती हैं ईद में। हमें जिसे कहना चाहिए ना, सियासतदानों को आदत होती है टाइम निकालने की। क्या बात है भाई। जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो भी बहुत बिजी शेड्यूल होता है, उसमें भी टाइम निकाल के हर रोज़ ऑलमोस्ट एक दो टॉक शोज में कर रही होती हूँ। क्या बात। तो वो टाइम निकालना आता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मैनेज कर लेती हैं। ये बताएं कि घर में भी ऑफकोर्स ईद है, सब मिलने आ रहे होंगे, आपकी फैमिली है, रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं, तो कैसे टाइम मैनेज करती है? देखिए, ईद का पहला दिन जो है ना, वो एक्चुअली चांद रात से शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उस पर मैं शीर बनाती हूँ खुद। ठीक है। काफ़ी हद तक तैयारी करके रखती हूँ। फिर सुबह जब ईद का दिन होता है, उस दिन उसको फाइनल टच दे के जब घर के मर्द हजरात नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं, तो उनको एक एक कप पिला के फिर उसके बाद भेजती हूँ शीर। क्या बात है भाई। अच्छा, तो मतलब आप खुद ही बना रहे? जी, मैं खुद बनाती हूँ। खुद बनाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे भी टेस्ट करनी है, क्योंकि मैंने कहते ना कि जो वर्किंग वुमेंस होती हैं वो बहुत कम किचन में काम करती हैं। सो एम आई, मुझे भी इतना, मैं किचन में काम नहीं करती हूँ। हाँ, सुपरवाइज कर लेती हूँ, सुपरवाइज मुझसे करवा लो लेकिन काम कम। लेकिन ये होता है कि माशाल्लाह आपको कुक करना भी आता है। जी, कुकिंग मुझे आती है लेकिन करती बहुत कम, बहुत कम, कभी कभी। लेकिन ये कि जो भी नया कुक आता है उसको ऑलमोस्ट ट्रेन मैं ही कर रही होती हूँ। इसमें ये डालो, इसमें ये करो, इस तरह करो, इस तरह करो, शुरू ऐसे करना है। उससे फिर वो आस्ता आस्ता घर के टेस्ट के हिसाब से हो जाती है। लेकिन जो हाथ का जायका होता है ना, बिल्कुल, है ना। अच्छा, वैसे ही आप कैसी, मतलब कैसे, क्या होता है शेड्यूल, कैसे टाइम निकाल देती है? भाई यहाँ भी मिलने जाना है, यहाँ काम पर भी जाना है, तो इस तरह से? देखिए, बस नमाज के बाद रूटीन शुरू होती है कि जब घर मर्द आ जाते हैं तो वो फिर आके, उसके बाद फिर लोग आ रहे होते हैं मिलने के लिए। सियासत में आने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है कि जो अपने वर्कर्स हैं, अपने लोग हैं, अपने इलाके के लोग हैं, या जिस तरह मैं सिंध की प्रेसिडेंट भी थी, तो वो वहाँ पे सारी मेरी एफिलिएशन अभी तक है। हालांकि 18 के बाद मेरा बहुत ज़्यादा काम सिंध के अंदर नहीं रहा, लेकिन फिर भी आज भी लोग कर रहे होते हैं, मैडम इधर आइए, मैडम इधर आए, ज़रूर आए। और मुझे लगता है आप इस काम की वजह से और एक्टिव। हाँ, बस यही एक जो है ना दिल के अंदर जज्बा कि कुछ कर लूँ, किसी के लिए कुछ कर लूँ, वो चीज़ मेरे अंदर से डाई आउट नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तैयारियों में अब ईद की तैयारियाँ कैसे करती हैं? कि भाई ईद आने वाली है, उसमें भी होता है ना कि भाई जाना है बाज़ार, जाना है, तो आप जाती हैं बाज़ार या ऑनलाइन आजकल? नहीं, ऑनलाइन नहीं। मेरी जैसे हर चीज़ की ना एक दुकान होती है। ठीक है। जैसे मैंने कपड़े खरीदने हैं तो आशाना की एक दुकान है, वहाँ जाऊँगी, वहाँ से चीज़ें लूँगी। मेरा अपना टेलर है, उसको दूँगी, उसको फ़ोन पर बता दूँगी क्या करना है क्या नहीं करना, वो सी के डाई करके, डाई करवा के, और ये वो जो भी वो कर देगा। जूते लेने की एक दुकान है, पार्लर एक है, हर चीज़ एक रखी हुई मैंने। अच्छा, ये सही है। वैसे आप वाहिद है, मतलब बाकी में ऐसी वुमेन है जो एक दुकान पर अटकी हुई। हम जैसे जो है इतनी फारे, पहले यहाँ घूमो फिर वहाँ घूमो, वहाँ नहीं, यहाँ से पसंद नहीं आ रहा, वहाँ से पसंद। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हर हर जगह और हर दफ़ा इस्लामाबाद जाऊंगी जी, तो मेरी वो पार्लर वाली है जो जिसने मेरे पहली दफ़ा ट्रिम किए थे 1978 में, फिर उसने मुझे दुल्हन बनाया। फिर अभी भी जब मैं उसके पास जाती हूँ, इतना खुश होती हूँ देख के कि नुसरत, यू कैन फील योरसेल्फ वेल। आप इतनी लॉयल हैं। बिल्कुल, मैं इतनी ही लॉयल हूँ कि भाई पार्लर भी अभी तक एक है, दुकान भी एक है, तो मतलब लोगों को पता होगा ना, कहीं नहीं जाना है हमारे पास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ईद की तो बता दी, शॉपिंग कैसे करती? चूड़ियाँ वगैरह शौक है या तो ब्रेसलेट्स या करो? नहीं, बस ब्रेसलेट, ब्रेसलेट, वॉच, एक दो ब्रेसलेट पहन लिए और बस। अच्छा, ये तो देखिए, अभी मतलब आपकी एक होता है, सबकी एक एज आती है, तो एक होता है ना, पहले आपको चूड़ियाँ पसंद थी या एक वक्त था
जब थोड़ा सा चूड़ियाँ मैं शादी से पहले पहनती थी। अच्छा, काली और सफेद। अच्छा, तो एक हाथ में काली एक हाथ में सफेद, तो बहुत सारी, तो शादी के बाद बिल्कुल नहीं पहनी मैंने। आपने इतना शौक पूरा कर लिया ना अपना। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो होता तो सोने की चूड़ियाँ होती थी, वो फिर बेटा हो गया जब तो गोद में लेती थी, चुपती थी, चुपती वो जो उतरी लॉकर में गई उसके बाद कभी नहीं पहनी। ये मेरा वाला हाल चल रहा है। सही कह रही हैं आप, जब उतर गया तो बस अब लॉकर में चले गए पहनने के, वो नहीं होता। सही बात है। अभी आपके जो बच्चे हैं वो अभी आपके साथ ही है या आउट ऑफ कंट्री? नहीं, मेरे दो बड़े बच्चे पढ़ने गए बाहर, इंग्लैंड में दोनों ने पढ़ा। बेटा मेरा इस वक्त बैरिस्टर है, यहाँ पाकिस्तान में ही कराची में काम कर रहा है, और बेटी जो है वो जर्नलिज्म में है। और छोटा बेटा है वो भी न्यूजीलैंड में पढ़ रहा है म्यूजिक और इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये वो वक्त आ जाता है ना जब बच्चे भी चले जाते हैं फिर आप, अच्छा है, फिर मैं भी सोची जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं भी कुछ ऐसे कामों में लग जाऊंगी। एग्जैक्टली 2009 में जब मैंने ज्वाइन किया तो तीनों बच्चे मेरे बाहर थे। मैं यही तो कह रही हूँ, छोटा वाला बोर्डिंग में था और बड़े दो जो थे वो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, और मैं बिल्कुल तनतनहा अकेली। मियाँ को बाहर सुबह ऑफिस गए, फिर वहाँ से गोल्फ में चले गए, फिर वो गोल्फ के बाद कार्ड्स बैठ के खेल रहे हैं, वो आ रहे हैं रात को, तो सारा वक्त अकेली बैठी हुई हूँ, क्या करूँ। फिर मेरे बेटे ने वहाँ लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, बड़ा बेटा मेरा, उसने कहा कि अम्मा डोंट फेस योरसेल्फ, गो जॉइन पीटीआई, क्योंकि उससे पहले मैं प्रेसिडेंट थी डिप्लोमेटिक ग्रुप की इस्तांबुल में। अच्छा। सारे इस्तांबुल मतलब पूरी दुनिया की औरतों की मैं प्रेसिडेंट थी, तो बहुत एक्टिव काम था हमारा, चैरिटी का बहुत करते थे हम लोग, और मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जाना है, स्कूलों में जाना, अच्छी खूबसूरत जगहों पे जाना। आज भी पता नहीं किस चीज़ का मैं जिक्र कर रही थी, तो मेरी बेटी कहने लगी आपको कैसे बताऊँ माँ, तो वी हैव बीन ट्रैवलिंग टू ऑल दोज प्लेसेस, विजिटिंग ऑल दोज प्लेसेस, तो वो वहीं पे थी। हालांकि एक डेढ़ साल उसको मेरा पता है ऐसा काफ़ी, लेकिन फिर उसके बाद जब आ गई तो कुछ नहीं कर रही थी। फिर उस वक्त मेरे बेटे ने कहा कि अम्मा वो ज्वाइन पीटीआई, तो इस तरह 2009 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की, फिर नेवर सो बैक। ज़बरदस्त, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, ये बताइए कि लास्ट ईद पर और इस ईद पर क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि लास्ट ईद में एक तो हम हुकूमत में थे, ठीक है, और दूसरा ये कि उस वक्त गुर्बत इतनी नहीं थी, हालांकि कोरोना आ चुका था, उससे बहुत सक्सेसफुली डील किया था खान साहब ने। अब इस दफ़ा गुर्बत उस लिमिट पे पहुंच गई है कि कोई तस्वर नहीं कर सकता था एक साल पहले कि हम यहाँ पे होंगे। मैं समझती हूँ गरीबों का ख्याल अगर कोई रखने के बारे में सोचे भी ना तो वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों का 20 लोगों का 100 लोगों का, ये इंडिविजुअल काम नहीं है। ये हुकूमत को बिल्कुल फ़ौरन अपनी आँखें खोल लेनी चाहिए कि हमारी आवाम किधर जा रही है, गुर्बत की उस लिमिट पर पहुँची हुई है जो हम बिल्कुल कोई भी तस्वर नहीं कर सकता था इससे पहले, क्योंकि डॉलर आपको तो पता है कहाँ चला गया, डॉलर कहाँ चला, अब हालात और भी ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो सीरियस नहीं है ना, वो सीरियस नहीं है कि आवाम के हालात को ठीक किया जाए, मुल्क के हालात को ठीक किया जाए, वो सिर्फ उनकी सुबह होती है इमरान खान इमरान खान इमरान खान, रात होती है इमरान खान इमरान खान इमरान खान, कोई 15-16 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं जो इमरान खान के अलावा कुछ और उनको सुझाई नहीं देता। तो जब तक हाँ ये इनकी ये वाली चीज़ ठीक नहीं होगी, आप मुल्क की तरफ तवज्जो दें, आप मुल्क की तरक्की की तरफ तवज्जो दें, आप गरीबों का ख्याल रखने की तरफ तवज्जो दें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं आप उस तरफ दें, फिर आपको इंतखाबात करवाने उस पर तो खैर वो राज़ी नहीं, उनको पता है कि 90% ऑफ द पीपल विल गिव वोट टू इमरान खान, तो वो तो देंगे ही नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं। मेरे ख्याल में बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त मुल्क के, सिर्फ दुआ, हम तो दुआ कर, मतलब हम तो बाहर बैठे हैं हुकूमत में, सिर्फ दुआ कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द चेंज होंगे ये हालात, क्योंकि ये मुल्क 27 रमज़ान को बना है, अल्लाह ने बनाया है ये मुल्क, हम लोगों को इसलिए दिया था कि यहाँ पे मुसलमान अपनी तमाम चीज़ें सही तरीके से परफॉर्म कर सकें, उनको कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कि हुक्मरानों को अकल आ जाए वो अपने अलावा कुछ और सोचें। ज़बरदस्त, सही बात है बिल्कुल। चलें जी, अभी फर्स्ट ईद का समय है तो अभी हम चलते हैं किचन में और आप बनाएंगे तो शेफ़ और हम लोग बातें करेंगे। जी अब यहाँ पर हम बनाएंगे मीठा, बनवाएंगे ऑफ कोर्स, देखते हैं यहाँ पर लोग मीठा कैसे बनाते हैं, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है मीठा बनाने का। चलें जी स्टार्ट करें। अजीम ईद मुबारक, क्या बना रहे हैं? खैर मुबारक, खैर मुबारक। भाई बताएं क्या बना रहे हैं? ईद मुबारक, सेवियां। सेवियां बना रहे हैं, जबरदस्त। पहले आप क्या डाल रहे हो? ऑयल ताकि सेवियां डालेंगे, ठीक है, देखते भाई कैसे बनते हैं। अच्छा
शुरू शुरू में जब मेरी शादी हुई मुझे सवैया मार, मैंने कहा चलो सवैया मार। उस टाइम ना मैंने मम्मा को भी कॉल की थी, वो तो जल गई थी। फिर मैंने कॉल मिलाई मम्मा को, मैंने कहा मुझे ज़रा बताएं, और मैंने चुपके से हटाई ना, मैंने कहा हटाओ यार ये सवैया जो है फ्राई कर रहे हैं। अजीम आपकी ईद कैसे गुजरी? रात में आप फिर आ गए यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक, ईद क्या खसूसियात रही घर में? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। हाँ फैमिली के साथ? जी जी। क्या बात है भाई, आपने भी सोसा सवैया खाई? जी शाही अपने हाथ की बनी? नहीं नहीं घर में तो बेगम बनाती होगी ना? नहीं पता चले वो भाई बना के दिखाओ अपने हाथ की। चले जी अब क्या कर रहे हैं आप? शुगर डाल रहे हैं? शुगर डालेंगे थोड़ा सा। सही है ठीक है, कितनी सॉरी शुगर। एंड देन दूध? ओह हो हो। अच्छा आप दूध वाली बनाती हैं? नहीं मैं दूसरी बनाती हूँ जिसको कोरमा कहते हैं। अच्छा 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 उसमें दूध नहीं होता? अच्छा अच्छा सर वाह एक वो होती है बहुत मज़ेदार होते हैं। अच्छा ज़बरदस्त किशमिश और साथ में ये मूंगफली है क्या है? ये बादाम। अच्छा बादाम ठीक है। नहीं वो तो बादाम नहीं है वो तो ठीक है। अजीब पिस्ता है। अच्छा 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 मुझे लग रहा है ये शाही सवैया बना रहे हैं है अजीब। जी, जी जी ये शाही सवैया है ना? जी बिल्कुल। देखा मैं सीख गई हूँ थोड़ा सा, ये आप घर में ट्राई कीजिएगा। सही है दूध वाली थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, देखे कैसे बनती है। बस ये फ्राई होगी जी, अब जरा सा हल्की सी गल जाएगी ना तो फिर ये निकाल लेंगे। अच्छा वो तैयार हो जाएगी जी। ज़बरदस्त क्विक रेसिपी है। क्या बात है भाई ज़बरदस्त, बड़ी कोई क्विक रेसिपी थी भाई। दूध डाला सवैयों के साथ और साथ ही उन्होंने जो है शुगर भी डाल दी, तो साथ उन्होंने ड्राई फ्रूट भी डाल दिए। आपने भी क्या डाला? शुगर डाला तो बाय शुगर डाल। ठीक है जी तैयार हो गई है? जी तैयार हो गई, ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। हमें जाना अभी एक ब्रेक की तरफ, तो आप लोग कहीं मत जाएं, जल्दी से वापस आए। ईद मुबारक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ईद मुबारक। जी हाँ यहाँ पर अब बनाएंगे हम लोग, इवन बनाएंगे क्या वो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे बनती है। ईद मुबारक भाई। खैर मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजरी ईद? माशाल्लाह खैरियत से गुजरी यार। अच्छी मजेदार अच्छी जबरदस्त। क्या बना रहे भाई? मैं चिकन कढ़ाई बना रहा हूँ। चल बनाइए। एक बात बताएं आपने जो इतना ऑयल डाला है निकालेंगे भी ना फ्राई होने के बाद? ये तेल निकलेगा इससे, तेल सारा निकल जाएगा, आज निकल जाएगा इससे, लेकिन अब्सॉर्ब तो हो जाएगा ना भाई। आपने बनाई है कढ़ाई कभी घर पे? बहुत दफ़ा। अभी जब तक ये चिकन जो है फ्राई होगी अपना कलर चेंज करेगी। अच्छा इनका तरीका अलग होता है, हमारा घर का तरीका अलग होता है। इन्हें एक साथ पता नहीं कितनी कढ़ाइयाँ बनानी होती है। कितनी कढ़ाइयाँ आप एक साथ बना लेते हैं भाई? ये हम माशाल्लाह बहुत सारे कढ़ाई बनाते हैं एक साथ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह चूल्हे बनाते हैं। किसी में नमक कम, किसी में नमक तेज, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बराबर आ जाता है। सब चीज़ें हमारे लेवल पे हाथ पे बना हुआ चीज़ें हम डालते हैं, माशाल्लाह हमारा बराबर है। अच्छा यहाँ पर चिकन के अलावा पता नहीं क्या क्या बन रहा है, इनको पता चल रहा है कि भाई कह रही है चापे ही चापे पूछते हैं वो चापे बना रहे हैं। ये मटन है, मटन बिजी बहुत चल रहे हैं ना, बहुत बिजी चल रहे हैं अभी इस टाइम। हमारी ये बात तक नहीं सुन रहे क्योंकि ये एक साथ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कढ़ाई बना रहे हैं। कितनी देर लगेगी इसका कलर चेंज होगा? फ्रेश मटन, फ्रेश मटन में लगता है चिकन कढ़ाई में लगेंगे 15 से 20 मिनट पूरी तैयार होने में। हाँ, अच्छा अभी 5 से 6 मिनट लगेंगे। ठीक है आपको कौन कौन सी अच्छी कढ़ाइयाँ बनाना है? मैं मटन की कढ़ाई प्रेफर करती हूँ। चले जी ये जब तक मटन जो है वो बॉईल हो रहा है और चिकन भी जो है यहाँ पर
अपना कलर चेंज करेगा, फ्राई हो रहा है। चिकन जो है वो हाफ डन हो चुकी है, अब आगे आप क्या मसाले डालेंगे भाई बताएं? चिकन कढ़ाई में हरी मिर्ची डाल दी, कितनी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, मेरी फेवरेट चीज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी, क्या बात, खाने के साथ तीन चार जरूर। ओ माय गॉड, वाह भाई, ठीक है जी, इन्होंने डाल दिया टमाटर का पेस्ट, टमाटर के पेस्ट, हरी मिर्चें, और इसके अलावा क्या डाला आपने? डाला नमक, तेल डाला, आई डाल देंगे सब कुछ डाल देंगे। अब ये भुनाई होगी? इसकी भुनाई होगी। अच्छा, पर स्पीड में आप काम करेंगे, आपको आदत है? हमारा स्पीड है, हमारा आदत है, हमारा रूटीन है, इसे आप तो हमको बताया रहते हैं जितना हमारे लिए फायदा होता है हमारा कितना टाइम का तजुर्बा है, हम इस चीज को आगे बढ़ाता हुआ जा रहे हैं। कितने साल हो गए माशाल्लाह? मेरे को कम से कम से फील्ड में मेरे को हो गए अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए, 12-13 साल स्पिरिट में अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ में काम करता हुआ आ रहा हूँ, बहुत टाइम से लगा हुआ, एक माशाल्लाह हर बंदा आ रहा है यहाँ देखता हुआ जा रहा है, बहुत चीज़ तारीफ करके जा रहे हैं, जो भी खाना मैं माशाल्लाह बना के देता हूँ वो दोबारा आते हमारे से ये चीज़ें खाते जाते हैं, तो बोलते हैं यही चीज़ हमारी होती है। अच्छा, यही चीज़ हमारे खाएंगे बाद में इंशाल्लाह, तो हम खिलाएंगे आप लोगों को चीज़, बिहाई भी वाली चीज़ खिलाएंगे। अच्छा, जो टमाटर का हम पेस्ट डालते हैं, आप टमाटर का पेस्ट डालती है, टमाटर कट करके डालते हैं? जल्दी खाना पकता नहीं, वो जो है ना वो छिलके छिलके फिर मुंह में आते हैं, वो अच्छे नहीं। अच्छा, ये आपके सामने दही डाल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये आप ऑल राइट, मैं डाल दिया दही, ये हम मसाले डाल रहे हैं हमारे, मसाले में क्या डाल रहे हैं? धनिया जीरा, ठीक है, ये मसाले हमारे, धनिया जीरा बस, उसके बाद हम काली मिर्ची मारेंगे, काली मिर्ची बस, धनिया को भून के डालते हैं, धनिया जीरा भून के डालते हैं, कूट के, कूट के मिशन से हाथ से कूट दें। अच्छा, कूट के डाल, हाँ बारीक होता है, ये मसाला बना हुआ होता है। अच्छा, अच्छा, ये हमारा हाथ से बना हुआ होता है, अच्छा। यही चीज हम बनाते हैं माशाल्लाह, तभी आप लोगों का डिफरेंट जायका होता है, कूट के डाल दो, बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चीज है, लोग अच्छा, ये लो कम मसाले डालते, इनका खाना जल्दी बनता है, एक हमारे घर के होते हैं तो ये गरम मसाला, तो ये मसाला बहुत मसाले डलते होते हैं हमारे घर में भाई, और फिर भी हम बाहर खाना खाने आते हैं कि इन लोगों का टेस्ट अच्छा, ठीक है जी, ऑलमोस्ट रेडी है चिकन कढ़ाई, रेडी ऑलमोस्ट, ठीक है जी, चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी है ऑलमोस्ट, अब बनाएंगे मटन कढ़ाई, और जी चिकन कढ़ाई के बाद यहाँ बनेगी मटन कढ़ाई, स्टार्ट करें, मटन जो है वो बॉईल हुआ हुआ है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे? हम ये मटन कढ़ाई बना रहे हैं, हरी मिर्ची। अच्छा, आपको ये हरी मिर्ची का शौक कहाँ से हुआ, जैसे बचपन से? मेरे अब्बा जो है ना उनको बहुत मछली की पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता था, तो जब हम वहाँ से आते थे तो वहाँ से पनीर ही लेके आते थे बारीक मिर्चों की, और वो पनीर ही घर में भी लगती थी और सारों को बांटी भी जाती थी, तो वो मुझे शुरू से है कि मेरे अब्बू जो किचन वाला लॉन था ना, किचन के बाहर वाला, उस पर वो सारी सब्जियाँ लगाते थे, तो उस पर हरी मिर्चें होती थी, तो मैं तेज़ वाली खाती थी और मेरी बहन कच्ची वाली खाती थी, उस वक्त से मिठाई बचपन से मुझे आदत है, तो अब आपको आदत है तो बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल बेशक जबान जल रही हो जो हो रहा हो लेकिन खाती मैं जरूर हूँ। क्या बात है भाई, और इसके बारे में हदीस भी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर हरी मिर्च का बीज आपके पेट में है ना, पेट खराब नहीं हो सकता। क्या बात है भाई, अगर हरी मिर्ची का बीज आपके पेट में तो आपका पेट खराब नहीं होगा। अच्छा, जब ईद की दावत होती है आप कॉर्ड घर में आते हैं, लोग रिलेटिव्स आते हैं, अपने आते हैं, मेहमान दोस्त आते हैं, तो आप बताओ क्या करती हैं आप अपने हाथ से, क्या बनाती हैं? देखिए, ईद पे मैंने इस बताया था आपको, मैं चीज़ ज़रूर बनाती हूँ अपने हाथ से, फिर उसके बाद पुलाव ज़रूर बनता है, फिर कबाब ज़रूर बनते हैं, फिर कोरमा होता है, उस पर मैं चीज़ अपने हाथ से बनाती हूँ और पुलाव, बाकी चीज़ें वो कर लेता है लड़का जो भी करना है उसको बना लेता। अच्छा, पुलाव अपने हाथ से बनाती हूँ, शीत, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ की मंदी बहुत मशहूर है, मैंने सुना है, शुक्र है, है ना, मैं आपको क्या होगी मंदी, इनको बताएं मंदी क्या होती है? मंदी मटन का पीस होता है, मटन का पीस होता है, बड़ा वाला, बड़ा वाला पीस होता है, मटन का पीस होता है, चावलों के साथ, अच्छा अच्छा, चावल थोड़े फ्लाव होते हैं, चावल उसके अंदर डालते हैं, हाँ चावल मंदिर उसके ऊपर होता है पीस बना हुआ, चावल होता है डिश में डालते हैं, आप जरूर ट्राई करेगा, आज हम आपको देंगे मंदिर, ठीक है जी। अच्छा, आप पुलाव बनाती हैं मटन,
सही है, जबरदस्त। अभी आपने क्या डाल दिया? ये अभी आपके सामने मैंने इसमें टमाटर डाला, नमक डाला, हरी मिर्ची डाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। आप देखते हुए जा रहे थे माशाल्लाह। ये आपके सामने सही है, दही डाल रहा है, दही डाल रहे जी। सही सही सही। ठीक है जी, मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई हो गई है तैयार। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ टाइम। अब जो है हमें जाना एक ब्रेक पे। एक मैसेज अगर आप देना चाहें ईद के हवाले से। ईद के हवाले से तो एक ही मैसेज बनता है कि आजकल जिस हिसाब से महंगाई है और गुर्बत है, उसमें जितना आप लोगों को हेल्प आउट कर सकें वो करें। उसके लिए आपको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके नज़दीक है, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो आपके पीछे कॉलोनी में कोई रहता है, आप जितना कर सकते हैं उनके साथ करें। उनकी गुर्बत को ईद में बदलें और उनकी ईद को खुशियों में बदलें। क्या बात है, थैंक यू सो मच। हमें जाना है बिग ब्रेक की तरफ, आप लोग कहीं मत जाएं, जल्दी से वापस आए। ईद मुबारक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ईद मुबारक। जी हाँ, अभी जो हमारी मेहमान थी उनसे हम मंदी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने आई हूँ कि वो मंदी क्या होती है, कैसे बनती है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सना क्या हाल है? मुबारक। मंदी के बारे में ज़रा बता दें यहाँ पर भाई। सर ये होती है अर्बन डिश, होती है यमन में, होती है ये आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और ईद पर ये बाहर ममालिक में बहुत ज़्यादा ईद पर चलती है। ईद पे चलती है बहुत, ईद है ना, लोग बहुत शौक से खाते हैं। ज़रा बताइए क्या है, दिखाइए सर। ये है राइस। ठीक है, ये राइस है मंदी के? जी ये मंदी का राइस है। इसके बारे में बताइए, पुलाव है, ये इसका एक बोल। ये डलते हैं इसके ऊपर पीसेस मटन के। जी ये मटन का पीस। ओके, बहुत ख़ास मसाले हैं इसमें। इसके मसाले में थोड़ा सा भी 19-20 हो गया तो सारा मेहनत आपकी ज़ाय हो जाएगी। थोड़ा सा भी 19-20 से इसके बनाने में कम से कम 3 घंटे में ये बनता है। टमाटर अच्छा। में 3 घंटे, चिकन में 1.5 घंटा लगता है। चिकन में 1.5 घंटा और मटन में 3 घंटे लगते हैं। इसके मसाले बड़े मुख्तसर होते हैं। जी बहुत मुख्तसर मसाले है। राइस में थोड़ा सा 19-20 आ गया तो आपका मेहनत सारा ज़ाया हो जाएगी। अच्छा। इसकी सारी कमाल क्वालिटी इसकी राइस है और इसका बहुत खास आइटम है ये। इसमें फिश में भी मिलेगी, दुम्बे में भी मिलेगा, चिकन में भी मिलेगा, मटन में भी मिलेगा। और आलू तो पहले नहीं होते थे, आलू भी डालने लग गए। ये नया हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा, इसलिए आलू भी लगाया जाता है साथ में। बेटा मंदी पर आलू नहीं होते थे? आलू नहीं होते थे, अभी हम लोग अपनी तरफ से लगा रहे हैं। हमारा बहुत खास आइटम है, आजकल बहुत चलते हैं, बहुत लोग डिमांड करते थे इससे पहले, तो हम लोग ने इसलिए यहाँ पे ले आए। ठीक है जी। मंदी के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ बारबेक्यू सेक्शन पर। मेरे साथ मौजूद है अजीम, ऑफ कोर्स पहले भी उन्होंने जो है फर्स्ट सवैयाँ बनाई थी। जी अजीम, बारबेक्यू में क्या क्या बना रहे हैं? जी हम अभी बनाएंगे मलाई बूटी। सबसे पहले ये बना रहे हैं मलाई बूटी। चले जी स्टार्ट करते हैं। मलाई बूटी में हम डालेंगे पहले नमक डाल के, ब्लैक पेपर डालेंगे, फिर डालेंगे हम थोड़ा सा लींबू का रस डाला, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ठीक है, ऐसा मलाई बूटी सबकी ही फेवरेट होती है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या लड़का लड़की, मतलब मलाई बूटी सब आराम से खा लेते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने कट
मलाई। अभी डाल रहे हैं इसमें क्रीम। क्रीम डाला, थोड़ा सा दही डाला, दही और थोड़ा सा जो है मायनीज डाला इसमें। ओहो, देखिए तो मायनीज भी डल रहा है, क्या बात है भाई। अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा हरी मिर्ची का पेस्ट। हरी मिर्ची का पेस्ट, ठीक है, हरी मिर्ची का पेस्ट जी। ये हमारी मलाई रोटी तैयार हो गई। रेडी हो गई है जी। सारे मसाले इन्होंने डाल दिए, बहुत डिफरेंट माइनीस, बहुत डिफरेंट। मैं ज़रूर टेस्ट करके बताऊंगी कि क्या इसमें डिफरेंस है दूसरी मलाई बोटी के कंपैरिजन। ठीक है जी, दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास है रेशमी कबाब। रेशमी कबाब, चलें जी, रेशमी कबाब। साथ साथ मैं इनसे यही पूछूंगी कि अजीम ईद पर आ रहे हैं मलाई बोटी वगैरह खाने लोग? जी बहुत आते हैं। वाह भाई, दावतें ही बहुत होती होंगी। जी बहुत है ना। ठीक है, अब जो है ये है रेशमी कबाब। रेशमी कबाब बनाएंगे, थोड़ा सा नमक डाला इसमें, डाला नमक, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा इसमें खोपरा, थोड़ा सा खोपरा, और ये कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर, वाह। थोड़ा सा धनिया जीरा, थोड़ा सा धनिया जीरा। इसमें अच्छा जी, इसमें कोकोनट पाउडर, इसमें खोपरा, इसमें हरी मिर्ची, लहसुन, लहसुन, अदरक, अदरक, हमारा हो गया रेशमी कबाब। अच्छा, क्या बात है। अच्छा अजीम, अपना बताएं कि आपको बारबी क्यों पसंद है, उसमें क्या क्या पसंद है? बारबी बहुत कुछ पसंद है, जो भी बनाती है। हाँ, कितने साल हो गए आपको बारबी की? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल अच्छा, ज़बरदस्त। तो अब तो आपको टेस्ट ऐसे डेवलप हो गया होगा आपके हाथों में बारबी की। घर पर जब बारबी की बनता है आप बनाते हैं? बकराई जी हम खुद बनाते हैं। क्या बात है भाई, चले अभी ये ग्राइंड हो जाएगा। रेशमी कबाब के बाद क्या है हमारे पास? सीख कबाब। चलें जी, सीख कबाब ले आए। सीख कबाब, सीख कबाब में क्या कुछ डालेंगे वो हम देखते हैं। सीख कबाब में नमक, नमक, जीरा धनिया, जीरा धनिया, और ये कबाब का मसाला है। ठीक है जी, कबाब का मसाला, हल्दी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, खोपरा, खोपरा, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची, लहसुन, लहसुन, अदरक, अदरक, ठीक है, बस आ गए। ये सीख कबाब का मसाला इन्होंने मिला दिया है, इसको हम मशीन से निकालेंगे। ठीक है, मशीन से निकालने के बाद फिर उसको सीख पे लगा के आपको दिखाएंगे। ऑलराइट जी, इसके अलावा कुछ और है आपके पास? चिकन बोटी, चिकन बोटी ले आएंगे। अब ये जो है बना रहे हैं चिकन बोटी, चिकन बोटी, चिकन। वैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कितना रश है, कितने गहमा गहमी चल लग रही है ईद की वजह से, लाल मिर्च और हमारी मेहमान भी इस तरह से चली गई कि भाई अपॉन ईद का देने लेकिन इतना उन्होंने टाइम दिया उसकी बहुत बड़ी बात थी। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा, ये इसका तैयार किया हुआ मसाला। तैयार किया हुआ मसाले में क्या क्या है इसमें? बहुत मसाले मिक्स है। अच्छा, सीक्रेट है भाई इनका। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, और नींबू का रस, और ये डाल दिया नींबू का रस। चिकन बोटी की तैयार,
ठीक है जी, चिकन मोची के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? मलाई टिक्का। मलाई टिक्का जी हाँ, अभी आ गया है मलाई टिक्का। जी बताइए, मलाई टिक्का में सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे। अच्छा, तो मसाला रेडी कर रही है यहाँ पर, ये नमक, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा दही शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे, मायनीज, ओह नाइस, शामिल करेंगे अब इसमें मलाई, ठीक है जी, मलाई और कोकोनट पाउडर, कोकोनट पाउडर, ठीक है जी, नींबू का रस, नींबू का रस, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मिक्स करेंगे। ये पूरा जो है मलाई बोटी का मसाला बन गया जी, मलाई टिक्के का, मलाई टिक्के का सॉस। अब आप ये लगा दें, रखेंगे मलाई टिक्का। अच्छा जबरदस्त, ठीक है जी, बारबेक्यू का जो है सारे मसाले लगा दिए, अब आप सीके मंगा लें ताकि हम लोग सीख को खाएं। अच्छा जी, जी हाँ, सबसे पहले ये भर रहे हैं मलाई बोटी, ठीक है जी, सीखों पे लगा रहे हैं मलाई बोटी, इसके बाद आप क्या भरेंगे? चिकन बोटी वाला, चिकन बोटी वाला, ठीक है जी। जी हाँ, अब जो है चिकन बोटी आ गई है जी, ठीक है, चिकन बोटी के बाद अब जो है सीख कबाब है और फिर वेशी का। जी हाँ, आप ये लगा रहे हैं सीख कबाब, जो बहुत ज़्यादा ईद पर खाए जाते हैं कबाब। अच्छा, सीख कबाब तो बहुत खाए जाते हैं, चाहे मेहमान नवाजी में आप लगते हैं जी, बिल्कुल। ये सीख कबाब या रेशमी कबाब? ये सीख कबाब है और सीख कबाब ज्यादा खाया जाता है। अच्छा, ज्यादा पसंद है जी, ठीक है जी। अब आप लगा दें रेशमी कबाब, पर रेशमी कबाब ये है कि बच्चों के लिए ये सब से बच्चे खा रहे हैं, कम स्पाइसी होता है, कम स्पाइसी हो जाता है। अब ये लगा रहे हैं मलाई टिक्का, लगा दिया, बड़ा मुश्किल होता है टिक्का लगाना, पर ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। चले अभी सब रखेंगे मीठी पर जी। इन्होंने ये रख दिया रेशमी कबाब, ये हो गया सीख कबाब, मलाई बोटी, ये हो गई मलाई बोटी, मलाई टिक्का, मलाई टिक्का एंड चिकन बोटी, चिकन बोटी। कितना टाइम लगेगा इसको रेडी होने में? 15-20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे और बारबेक्यू हो जाएगा तैयार। जब तक बताती हूँ मैं आपको अहम बात जो ईद से है रिलेटेड। ईद का मौका है और आपने ईदी भी खूब जमा की हुई, पर उनका क्या होगा जो अपनों से दूर है और ईद भी नहीं मिल पाई? इसीलिए ईदी पैसा लाया है ईद की खुशियों में शामिल होने का ईदी तरीका, ईदी पैसा। ईदी पैसा डिजिटल ईदी है जो फोन के जरिए आसानी से अपनों को भेज सकते हैं। तो सबसे पहले ईदी पैसा करें, क्योंकि खुशियाँ फैलाने का अपना ही मजा है, और जब तरीका भी इतना ईजी हो तो क्या ही बात। ये थी अहम बात, अब हम चलते हैं और टेस्ट करते हैं अपना खाना। कुछ जी हाँ, खाना लग चुका है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर खाऊंगी मंदी, क्योंकि यहाँ का स्पेशल है ये बलूचिस्तान सजी का। लेट मी ट्राई, क्योंकि मैंने सुना है, बहुत तारीफ़ भी सुनी है, और मैंने सुना है कि यहाँ का बहुत डिफरेंट है।
वैसे अगर चटनियाँ भी हैं, मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। वेरी नाइस। मटन हांडी। एक्चुअली मंदी में इतना स्पाइस नहीं है, बहुत ही मज़ेदार है, यम्मी। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर हांडी खा रहे हैं, गरम गरम मटन कढ़ाई। आप लोग मुँह में पानी आ रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार। ईद है तो मीठा चखूंगी ज़रूर मैं। अच्छा जब मीठा था तो ये दूध वाला, पर इसमें दूध अभी खुश्क हो गया है। सबसे मज़े की बात इसे मीठा परफेक्ट है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, खाना बहुत मज़ेदार है। आप लोग यहाँ पर आइए, इंजॉय कीजिए और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ईद है, खुशियाँ बांटें, मज़े मज़े खाने खाएँ और इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।